गाइस, मैं हूँ डॉक्टर वंदना उमराव। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सीड कलेक्ट करना बताऊंगी। जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं, तो उनके सीड हम कैसे सेव कर सकते हैं, उनको हम कैसे प्लांट से कलेक्ट करेंगे वो मैं बताऊंगी, और बल्ब्स को कैसे हम सेव करते हैं, जो ग्लैडियोलस हैं, एक्जिया है, बहुत सारे जो हमारे बल्ब्स वाले प्लांट हैं, एशियाटिक लिली है, तो उनको हम कैसे सेव करते हैं। सेव करते हुए तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं दिखाऊंगी ज़रूर और आपको बताऊंगी कि आप उनको कैसे सेव कर सकते हैं और कहाँ रख सकते हैं, जिससे कि वो पूरे साल के लिए जब तक आपका विंटर आए तब तक वो सेव रहें और अगले विंटर में आप उनको फिर से जर्मिनेट कर सकें। तो चलिए मेरे साथ। मैंने सीड तो पहले से ही कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, काफ़ी सीड मैंने कलेक्ट भी कर लिए हैं, वो भी दिखाऊंगी मैं, और जो भी मेरे प्लांट्स में अब सीड बचे हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं सीड कलेक्ट करना आपको बताती हूँ। है एलाइजम रोज़, इसमें विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, लास्ट तक फ्लावरिंग हुई है, तो मैंने इस गमले को सेव कर रखा है। अब इसके ये सीड्स हैं, जहाँ पे भी फ्लावर बनते हैं ये सीड्स हैं। मैं इनको आगे के सारे सीड्स को इस तरह से कलेक्ट कर लूँगी, जिससे कि कुछ बहुत तो जर्मिनेट हो ही जाएंगे। कलेक्ट करके रख लेते हैं, अगले साल फिर देखते हैं कि कितना जर्मिनेट होते हैं। तो ये जितने भी ड्राई हो चुके हैं, इनको मैंने छोड़ दिया था कि ये जो फ्लावर हैं ये ड्राई हो जाएं, जब इनकी फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मैं इनको सब सीड्स को कलेक्ट कर लूँगी। तो ये मैं इस तरह से, जो भी मेरे सीड्स इसमें लगे हुए हैं, मैं इनको इस तरह से कलेक्ट किए रहते हैं। ये जितने भी हमारे ये देखेंगे, इसमें बहुत महीन महीन ब्लैक कलर के, ये देखिए बीच बीच में इसमें सीड हैं, तो ये हमारे इसमें सीड, ये हम मैं इसको ये तो वैसे ड्राई हो चुके हैं। अगर जो भी सीड्स आपके ड्राई नहीं भी हुए हैं तो आप पेपर में फैला के रख सकते हैं, धूप में नहीं रखना है आपको, आप किसी भी पेपर में करके आप पंखे की हवा में रख दीजिए। बिना पंखे की हवा में भी वो ड्राई हो जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है। आप पेपर में फैला के रख दीजिए 3-4 दिन के लिए, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसमें मॉइस्चर ना रह जाए, तब आप लॉकिंग वाली पन्नी में इसको लॉक करके आप सर्दियों तक इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट से सीड का कलेक्शन कर सकते हैं। ये है वर्बीना। कुछ वर्बीना मेरे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन कुछ वर्बीना अभी मैंने यहाँ पे छाया में रख दिए थे प्लांट्स के नीचे। तो ये वर्बीना के सीड हैं, कुछ मैंने कलेक्ट भी कर लिए हैं सीड। तो ये 3-4 तरह की वर्बीना है। तो आप इसके जो आगे का ये बंच है जिसमें फ्लावरिंग आती है, आप इसको इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं, और ये इसमें सीड होता है, ये इसी में निकलता है। जब आप इसको क्रश करोगे तो इनके बीच में सीड निकलता है। तो अगर सीड बना होता है तो सीड निकल जाता है। तो आप इसके बंच को, जो भी ड्राई हो जाए, आप इनके आगे के पोर्शन को, ये पूरा इसको आप इकट्ठा कर लीजिए, और इसको ड्राई करने के लिए आप पेपर फैला के आप इसको ड्राई कर लीजिए, तब आप इसको पैक करिएगा। इस तरह से आप वर्बीना के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हैं आराम से। डॉग फ्लावर, ये हाइब्रिड वाला डॉग फ्लावर है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है। हाइब्रिड वाले डॉग फ्लावर की हाइट ज़्यादा होती है, और बजाय सिंपल वाला जो डॉग फ्लावर होता है उसकी इतनी हाइट नहीं होती है। मैंने उसके भी सीड कलेक्ट करके रखे हैं, उसमें हर सीड पॉट में बहुत सीड निकलते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वाला डॉग फ्लावर होता है उसके सीड पॉट में सभी में सीड नहीं निकलता है। तो आपको बहुत ध्यान से निकालना, बहुत कम सीड निकलता है इसमें। जो भी जिसमें भी आपको सीड लगे वो सब आपको कलेक्ट करके रख लेना है। इस तरह से मैंने ये सीड डॉग फ्लावर के रखे हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, जो मैंने लॉकिंग वाली पन्नी में निकाल के पहले कलेक्ट किए हैं, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। सीड पॉट बनता है, उसमें सभी में सीड रहता है। मैंने सिंपल वाले डॉग फ्लावर का भी कलेक्ट किया है, इसमें सीड बहुत कम निकलता है।
मैंने बहुत सारे कलेक्ट करके रखे हैं, तो इसमें बहुत कम सीड दिखाई देगा। जब आप कई सारे तोड़ोगे तो आपको बहुत कम सीड मिलेगा, किसी में बनता ही नहीं है, जैसे इसमें देखिए बना ही नहीं है। पर आप ट्राई करते रहिए, जिसमें भी सीड होता है आप उसको कलेक्ट करते रहिए, जैसे जैसे ये ड्राई होता चला जाए। इसमें बहुत कम सीड हैं डॉग फ्लावर में, तो आप इस तरह से डॉग फ्लावर के सीड भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये है एस्टर, अभी एस्टर ये ड्राई हो जाएगा तब मैं इसके सीड भी कलेक्ट करूँगी। मैंने बहुत सारे सीड बोए थे, एक ही प्लांट इसमें जर्मिनेट हुआ था, अब ये ड्राई हो रहा है, ड्राई होते ही मैं इसको भी कलेक्ट कर लूँगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ये सेलोसिया, अगर आपने ये सेलोसिया एक बार लगा लिया तो ये सेलोसिया आपका परमानेंट हो जाएगा, ये भी बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। इसमें काफ़ी बड़ा प्लांट था सेलोसिया का, उसी के सीड मैंने ये साइड में डाल दिए थे, इतना सेलोसिया जर्मिनेट हो गया है। और फिर मैंने बहुत सारे प्लांट शिफ्ट भी किए हैं। ये है गजानिया, आप गजानिया के जो ये फ्लावर आते हैं, बड़े प्यारे फ्लावर आते हैं गजानिया के, मेरे पास 3-4 कलर हैं गजानिया के। तो इसमें ये जब ये फ्लावर इसका ड्राई हो जाता है तो आप इसको कलेक्ट करके भी रख सकते हो, जिससे कि आप अगले साल इसको ट्राई कर सकते हो। जितने भी फ्लावर आपके ये ड्राई हो जाते हैं, ये देखिए ड्राई हो गए हैं सारे फ्लावर, तो आप इनको कलेक्ट करके रख सकते हैं और दोबारा इनको जर्मिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें ये सीड होते हैं, ये सीड है गजानिया में, ये इसके सीड हैं, यहाँ पे ये सीड हैं, अभी पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ है, ये सीड्स हैं। आप इनको कलेक्ट करके रख लीजिए, सूखने के लिए रख दीजिए, इसके बाद आप इनको अगले साल जर्मिनेट कर सकते हैं। अब मैं आपको, ये सदाबहार है विनका, विनका के बहुत सारे कलर हैं, इसको बहुत आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हो। बस आपको फलियाँ फटने का इंतज़ार नहीं करना है, जैसी फली पके तो आपको ये सीड कलेक्ट कर लेने हैं। ये देखिए, तुरंत ही इसकी फली फट जाती है और ये सीड सारे नीचे गिर जाते हैं। ये देखिए, इसमें देखिए कितनी सारी फलियाँ बन रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसी ही फलियाँ पकें आप इन फलियों को कलेक्ट कर लें। ये देखिए, ये इसमें पूरे में फलियाँ ही फलियाँ बन रही हैं, जैसे ही आपकी ये फलियाँ बने आपको कलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से ये सीड आप कोई भी किसी भी तरह का, ये हाइब्रिड बिन का है, तो आप इनके सीड भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये है हॉली हॉक, मैं हॉली हॉक का एक ही प्लांट लेकर आई थी, ये वाइट कलर की फ्लावरिंग का है और इसमें ये सीड पॉट बना है फ्लावर आने के बाद, तो ये मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक आपको दिखाऊंगी, मैंने जो पैक उसमें लॉकिंग वाली पन्नी में किया है, आप ये सीड पॉट बनता है, इसी के अंदर ब्लैक कलर के सीड निकलते, अभी ये पका नहीं है, और मैं आप फिर आप इन सीड पॉट को आप कलेक्ट करके रख सकते हैं ड्राई करके। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने जो कलेक्ट किया है सीड इसका। इसी तरह आप बालसम के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हो, बालसम तो अभी भी जर्मिनेट हो जाता है, मैंने सर्दियों में भी जर्मिनेट किया था, ये छोटा प्लांट है, मैंने बालसम के सीड को भी कलेक्ट किया है। ये है देसी वाला पिटूनिया, जो बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है और बहुत देर तक फ्लावरिंग करता है, इसके सीड कलेक्ट करना बहुत आसान है। ये इसमें हर फ्लावर में ये सीड पॉट बनते हैं और इसमें सीड रहते हैं, तो आपको इनको कलेक्ट कर लेना है। मैं दिखाती हूँ आपको निकाल के, ये देखिए, ये इसमें ये सीड हैं, और भी दिखाती हूँ मैं, इनके सीड कलेक्ट करना बहुत आसान है। ये जो जितने भी महीन महीन सीड दिख रहे हैं, ये पिटूनिया के सीड हैं। इसी तरह आप हाइब्रिड वाली पिटूनिया के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टार पिटूनिया के सीड कलेक्ट किए हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है सीड कलेक्ट करने में, लेकिन मैंने फिर भी कलेक्ट किए हैं,
उसमें भी सीड पॉट बनता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी में सीड्स बने। ये मैंने चेरी टोमेटो के सीड कलेक्ट किए हैं, मैंने इसको पानी में काफ़ी क्रश किया था और इसे छन्नी से छाना है, लेकिन इसका सीड इतना महीन है कि सारा अभी इसमें चिपक गया है प्लेट में। देखती हूँ इसको निकाल के देखूँगी। तो इस तरह से आप टोमेटो के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हो। अब ये है स्टार पिटूनिया। ये पिटूनिया हाइब्रिड पिटूनिया होता है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी में सीड्स बने। ये देखिए, ये जैसे मैंने इसमें छोड़ रखे हैं कि इसमें सीड बन जाएगा तो मैं कलेक्ट कर लूँ। देखिए ये ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और मैंने काफ़ी सीड कलेक्ट कर लिए हैं। ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये इस तरह से इसमें सीड पॉट बन जाता है। अब ये मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और इसके अंदर सीड्स निकलेंगे उसी तरह की जैसे देसी पिटूनिया में निकले हैं। इस तरह से हम सीड कलेक्ट कर सकते हैं। आप देखते रहिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये पेपर में इस तरह से पेपर में करके सब अलग अलग सीड ड्राई किए थे और फिर मैंने इन सीड्स को इस लॉकिंग वाली पॉलीथीन में ड्राई होने के बाद सबको मैंने नाम लिख के मार्कर से, जैसे ये लेट्यूस का सीड है, ये मैंने लेट्यूस दोनों टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के लेट्यूस हैं, इनके सीड कलेक्ट किए हैं। तो ड्राई करके मैंने लेट्यूस के सीड, ये मैंने इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, येलो कलर और वाइट कलर की फ्लावरिंग आती है सूरजमुखी की तरह, ये मैंने सीड कलेक्ट किए हैं। ये मैंने रेड वाला गेंदा और ये मैंने सिंपल वाला देसी वाला पिटूनिया कलेक्ट किया है। इसमें डॉग फ्लावर है, ये मैंने पेपर में रैप करके किया। आप पेपर में रैप करके भी रख सकते हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर रह गया तो फिर ख़राब हो जाते हैं सीड, तो आप पेपर में भी रैप करके रख सकते हो। और ये है एराइजियम, इसके भी सीड मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। पूरे सीड तो अलग नहीं किए हैं, फलियां ही सुखा ली थी और फलियों में ये सीड हैं, बहुत महीन महीन सा। इस तरह से मैंने ये सीड कलेक्ट करे। स्वीट विलियम के भी मैंने कलेक्ट किए हैं। ये है स्वीट पी, मैंने इसकी फलियां भी सुखा ली हैं। और इसी तरह मैंने गजानिया को भी सुखा के ऐसे रख रखा है। ये है हॉली हॉक का, ये डॉग फ्लावर है, ये मैंने हाइब्रिड वाला डॉग फ्लावर है, इसके सीड भी कलेक्ट करके रखे हैं। ये है प्रिमुला के भी सीड, मैंने फ्लावर को मैंने सुखाया था ड्राई करके। ट्राई करके देखती हूँ, अगले साल उगेगा तो अच्छी बात है। ये मैंने भृंगराज के सीड कलेक्ट कर रखे हैं। ये है हॉली हॉक, मैं कह रही थी ना आपको, मैंने हॉली हॉक का, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा सीड होता है, काफ़ी अच्छा सीड है, ब्लैक कलर का हेल्दी सीड निकला है। ये हॉली हॉक का सीड है। इस तरह से आप हॉली हॉक के सीड को भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसमें अभी मैंने ड्राई करने के लिए इस वाली पॉलीथीन में किया है, जिससे कि ड्राई हो जाए अच्छे से। ये है स्वीट विलियम, स्वीट विलियम के मैंने क्यारी में लगा रखे थे, ये मैंने स्वीट विलियम के सीड को कलेक्ट किया है। ये सारे बंच को मैंने कट कर लिया था ड्राई होने के बाद और ये देखिए कितने सारे सीड निकले हैं। ये देखिए सब इसी बंच में अंदर रहते हैं सीड, आप इनको क्रश करके और ये निकाल सकते हैं बहुत सारे सीड। अब ये मैम पूरे पैकेट में करके लॉकिंग वाली पॉलीथीन में करके और मैं इनको रख दूँगी। और भी मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने सिनरेरिया के सीड भी, सिनरेरिया के बहुत सारे मेरे पास प्लांट मैंने जर्मिनेट किए थे। ये मैंने सिनरेरिया के जो बंच थे उनको ड्राई करके और ये मैंने बंच को ड्राई करके अभी पॉलीथीन में रख रखा है, फिर मैं इस पे से सीड निकाल के और इनको कलेक्ट करके रखूँगी। इसमें मैंने कैलेंडुला के सीड भी कलेक्ट किए हैं। ये बहुत आसान है और ये जर्मिनेट भी बहुत आसानी से हो जाता है। और मैंने इसमें बर्बीना, ये रहे बर्बीना के सीड, मैं जैसे जैसे ड्राई होता जाता है मैं कट करके रखती जाती हूँ। तो इस तरह से आप भी सीड कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बल्ब दिखा देती हूँ, मैंने बल्ब कैसे कलेक्ट किए हैं। और मैंने मार्कर से सभी में नेम लिख दिए हैं, इस तरह से आपको याद रहेगा कि कौन सा किस चीज़ का सीड है। मैंने बल्ब सेव करके रख रखे हैं फ्रूट बकेट में, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बल्ब्स, क्योंकि मैं बल्ब्स को सेव करते हुए वीडियो नहीं बना पाई हूँ। ये मैंने फंजीसाइड पाउडर, ये ग्लेडियोलस के बल्ब हैं और इसमें बहुत सारे बल्ब्स हैं जो मैंने जर्मिनेट किए थे।
ग्लेडियोलस, रेननकुलस और इग्जिया, फ्रीजिया, ये सब के बल्ब हैं। ये मैंने कोकोपीट में और इसमें सब में फंजीसाइड पाउडर लगा के, और मैंने कोकोपीट, ये कोकोपीट में का आप इस्तेमाल करें जब भी आप बल्ब सेव करें, और इस तरह से मैंने ये सब के बल्ब सेव करके रख लिए। तो आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। और एशियाटिक लिली के भी आप कोकोपीट में निकाल के, जैसे आपका ड्राई हो जाए, अभी मैंने एशियाटिक लिली के नहीं रखे हैं और दोबारा जर्मिनेट ना होने पाए क्योंकि बल्ब ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से आप फ्रिज में सेव करके, आप मैंने ये फ्रूट बकेट में रख रखे हैं, आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। तो अगर ये मेरा वीडियो सीड कलेक्शन का और बल्ब सेव करने का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।